बिसम असल स्टूडेंट्स मैं हूं आपका होस्ट डायडिशन मोहम्मद हमजा और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं आज के लेक्चर में कि हम किस तरह से प्रोफेशनल लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं वाया यूजिंग कैनवा अब यहां पर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं द जिम ठीक है ये 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 मैंने अभी प्रिपेयर किया है ठीक है और मैं आपको सिखाता भी हूँ इसको कैसे मैंने प्रिपेयर किया है इसको कैसे कैसे मैंने बनाया ठीक है सेकेंड नंबर uh, पर आप देख सकते हैं कैफे कॉफी बार ठीक है ये लोगो भी मैंने अभी बनाया अभी डिजाइन किया इसको इसको भी हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपना किसी भी किस्म का चाहे वो जिम से रिलेटेड है चाहे वो फूड से रिलेटेड है चाहे किसी शॉप से रिलेटेड है कोई फास्ट फूड से रिलेटेड है किसी भी चीज से रिलेटेड को, कोई कंपनी से रिलेटेड है ठीक है कोई इंडस्ट्री से रिलेटेड है आप किसी भी किस्म का लोगो यहाँ पर बना सकते हैं इजीली चले हम अब देखते हैं आज की वीडियो में हम किस तरह से अपना जो है लोगो डिजाइन कर सकते हैं अब सबसे पहले आपने करना यह है कि आपने कैनवा ओपन कर लेना है सबसे पहले आपने क्या करना है आपने कैनवा ओपन कर लेना है ठीक है कैनवा ओपन करने के बाद यहाँ पर ये यह जो ऑप्शन आपको सामने नजर आ रहा है कस्टम साइज <coughs> आप दो काम कर सकते हैं एक तो यहाँ यह सर्च बार में भी सर्च कर सकते हैं कि लोगो डिजाइन ठीक है यहां पर भी आप आप लोगो डिजाइन करके कर सकते हैं सर्च कर सकते हैं लेकिन यहाँ साइज में आपने जाना है ठीक है कस्टम साइज में आप, आप जाए और अब यहाँ पर ये यह आपको एक ऑप्शन दे रहा है कि आपने लोगो की विथ कितनी रखनी है और हाइट कितनी रखनी है आप हमेशा याद रखें इसको हम फाइव हंड्रेड बाय फाइव हंड्रेड करते हैं ठीक है फाइव हंड्रेड इसकी विथ्स होनी चाहिए और फाइव हंड्रेड इसकी हाइट होनी चाहिए और देखे यहाँ पर मैं इसको एंटर कर रहा हूँ ठीक है यहाँ पर क्रिएट न्यू डिजाइन जब मैं इस पर क्लिक करूंगा न्यू इंटरफेस ओपन हो रहा है इस चीज़ का और मैं यहाँ पर भी आपको दिखाता हूँ कि वो लोगो मैंने किस तरह से अपना डिजाइन किया था अल्टीमेटली और आपने किस तरह से कोई भी पहले जो भी आप लोगो बनाना चाहें फॉर एग्जांपल अब मैं जिम का लोगो प्रिपेयर करता हूँ मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ अपनी स्क्रीन को ताकि आपको अच्छे से ये नजर आ जाए ठीक है मैं इसको थोड़ा जूम करने लगा हूँ आप देखेंगे कि ये मैं किस तरह से बनाता हूँ इसको तो कुछ इस तरह से इंटरफेस मेरे सामने ओपन हो गया मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ये देखिए मैंने इसको जूम कर दिया ताकि आपको अच्छे से नजर आए और हम ये देखें ये डिजाइन पर पहले सेलेक्टेड है हम जाते हैं एलिमेंट्स पर अब मैंने बनाना है जिम के हवाले से एक लोगो ठीक है मैं एलिमेंट पर गया एलिमेंट्स पर जाकर यहाँ पर ऊपर जो सर्च का हमारे पास ऑप्शन आ रहा है सर्च पार आ रहा है यहां पर आके मैंने सर्च करना है जिम सिंपली मैं यहाँ पर जिम लिखूंगा ठीक है जिम जी वाई एम और मैं एंटर प्रेस करता हूं ठीक है मैं इसको सर्च करता हूं तो देखिए यहां पर ग्राफिक्स हमारे पास इतने सारे ग्राफिक्स ओपन हो रहे हैं मैं सी आल पे क्लिक करता हूं ठीक है सी आल पे क्लिक करने के बाद अब मैं देखता हूं कि यहां पर कौन सी ग्राफिक मुझे चूज करनी है आप हमेशा वो ग्राफिक चूज़ कीजिएगा जो पेड ना हो जो फ्री हो ठीक है आ, मैं ग्राफिक चूज़ करता हूँ एक मिनट में देखता हूँ कि कौन सी ग्राफिक्स इसमें से मुझे पसंद है और कौन सी ग्राफिक्स जो है हमारे लिए बेटर हो सकती है देखें यहाँ पर मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ चले मैं इसको नहीं सिलेक्ट करता फिलहाल हम देखते हैं नेक्स्ट कोई आ जाए देखिए अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ ना इसका एक ड्रा है तो अच्छी पिक्चर इसका एक ड्रा बैक ये है कि ये जस्ट वन पिक्चर है इसमें वन कलर है इधर देखें ये यहाँ पर वन कलर है ठीक है अब अगर मैं कोई कलर भी चेंज करता हूँ इसका कोई कलर चेंज करता हूँ ठीक है ये पूरी पिक्चर को एक ही कलर दे देता है तो ये नहीं ठीक लग रहा मुझे हम नेक्स्ट देखते हैं कि हम कौन सा चूज कर सकते हैं ठीक है अब ये देखें ये जो ये पिक्चर है मैं इसको चूज करूंगा मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और मैं इसको चूज करूंगा देखिए इसमें दो कलर हैं दो से तीन कलर हैं इसमें एक इसके हेयर का कलर है ये ये वाला ब्राउन ठीक है एक इसकी स्किन का कलर है और ये इसकी शर्ट का कलर है ठीक है <laughs> अब ये मैंने चूज कर लिया अब नेक्स्ट मैंने क्या चूज करता है करना है आपको पता है अच्छे से जिम पर क्या होता है डंबल्स वगैरह होते हैं ठीक है मैंने डम्बल्स चूज करना है ठीक है मैं ये वाला डम्बल चूज कर रहा हूँ ये वाला या ये वाला मैं ये वाला चूज कर लेता हूँ ठीक है अब देखें ये मैंने डम्बल चूज कर लिया है और मैंने इसकी अलाइनमेंट भी ठीक कर दी है अलाइनमेंट कैसे ठीक करते हैं इसको इधर से रख के क्रसर हिलाए ना <coughs> जब क्रसर मूव करेंगे सॉरी आप तो अल्टीमेटली क्या होगा आ, ये देखें यहाँ पर डॉटेड तीन लाइन शोर है इट मींस ये सर इन सर्कल्ड है ठीक है इट मीनस ये ओके okay है अब देखता हूं मैं इसकी शर्ट का जो कलर है ना मैं चाहता हूं कि इस डम्बल का भी मैं वही कलर कलर करूं अब इसकी शर्ट का ये जो कलर मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में आपको बताया था यहां पर कैनवा का एक बेनिफिट ये है कि जो भी आप पोस्ट यहां पर जो भी पिक्चर आप ऐड करते हैं तो उसके कलर कैनवा में हमें शो होना शुरू हो जाते हैं मैं इस डम्बल पर क्लिक करता हूँ इसके कलर में जाता हूँ आप यहाँ पर देखेंगे इसकी शर्ट का कलर नजर आ रही है ठीक है अब मैंने इसकी शर्ट के अकॉर्डिंग इसको कलर दे दिया अल्टीमेटली अब अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है अब ये चीज तो हो गई मेरे पास दो चीजें हो गई नेक्स्ट मैंने ये करना है मैंने टेक्स्ट लिखना है टेक्स्ट हमेशा लिखते वक्त आप हमेशा वर्ड्स के साथ खेला करें ठीक है अब वर्ड्स के साथ खेलने का ये मकसद है ये नहीं कि किसी के साथ वादा करें और उसका वादा ही पूरा ना करें वर्ड्स के साथ खेलने का ये मकसद है कि जब आप कभी लोगो डिजाइन कर रहे हैं कोई भी पोस्ट डिजाइन करें तो अल्टीमेटली कोई कोई वर्ड ऐसा कोई वर्ड छोटा लिख दें कोई वर्ड बड़ा लिख दें कोई वर्ड इटैलिक में लिख दें फिर वर्ड्स का फोन स्टाइल चेंज कर दें ठीक है तो अब यहां पर मैं मैंशन करने लगा हूं दी बस यहाँ पर मैं दी लिख रहा हूं ठीक है मैं इस दी को इधर लेके आऊंगा और मैं इसको बोल्ड कर देता हूं ठीक है और नेक्स्ट ओके तो मैंने इसको बोर्ड कर दिया और अब मैं क्या करूंगा मैंने इसका साइज छोटा करना है थोड़ा मैं इसको यहाँ पर कर्सर रख के इसका साइज छोटा कर देता हूं इसको मैं सेंटर में ला देता हूँ देखें अब ये सेंट्रलाइज हो गया ठीक है, है अच्छा अब यहां पर मैंने लिखना है जिम मैंने नेक्स्ट हेडिंग डिजाइन की जिम जी वाई एम मैंने लिख दिया और जिम को मैं इसके बिल्कुल नीचे ले आता हूं ठीक है ये देखिये मैं इस जिम को इसके बिल्कुल नीचे ले आया राइट साइड पर अब ये ठीक हो गया ठीक है अब हमने क्या करना है थोड़ा इसको यहाँ पर अब ठीक है अब कर दिया मैंने ओके okay, अब नेक्स्ट मैं क्या करूंगा इधर नेक्स्ट मैं ऐसा करूंगा कि मैं एक शेप अब क्या करना है मैंने इसका फोन मुझे ठीक नहीं लग रहा मैं इसको सिलेक्ट करके ये कैनवास सेंस पे है तो मैं इसको चेंज करके फोन स्टाइल चूज करता हूँ आरची वो ब्लैक ठीक है मैंने इसको आरची वो ब्लैक पे रख दिया और जिम वाले को भी आरची वो ब्लैक पे ही मैं रखूंगा क्योंकि ये अच्छा स्टाइल है अल्टीमेटली ये देखें ये अच्छा लग रहा है मैं इसको थोड़ा सा इसका साइज कम कर देता हूं ताकि ये फिट आ जाए ये देखें अब ये फिट आ गया ठीक है अल्टीमेटली अब मैं क्या करूंगा अब आ, मैं चाहता हूं कि इसके इर्द गिर्द एक शेप बन जाए ठीक है इसके इर्द गिर्द एक शेप बन जाए शेप बन जाए वो मैं कैसे शेप डालूंगा मैंने जाना है डिजाइन में ठीक है डिजाइन में या आपके पास टेम्पलेट या डिजाइन का ऑप्शन शो हो रहा होगा तो आप यहाँ पर सर्च करें शेप्स ठीक है शेप्स जब सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके पास शेप्स ओपन हो जाएंगी ठीक है मैं यहाँ पर शेप सर्च करता हूँ और देखते हैं कि हमने कौन सी शेप यहाँ पर ऐड करनी है ठीक है यहाँ पर हम देखते हैं कि आ, हम कौन सी लोगो शेप में लिखता हूँ लोगो शेप्स अच्छा जी ये यह देखें यहाँ पर इस तरह से डिफरेंट शेप्स हैं हमारे पास ठीक है और आ, मैं देखता हूं अभी रिसेंटली मैंने जो यूज़ किया है ठीक है मैं वो कर लेता हूँ यहाँ पर ऐड आपने ऐसा करना है कि जो भी आप शेप्स यहाँ पर डाउनलोड करें जो भी डिज़ाइन में जाए ठीक है डिजाइन में आप लिखें किसी भी हवाले से आप शेप्स जो है वो सर्च कर सकते हैं मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं आ रही अभी फिलहाल देखते हैं मैं स्क्रॉल करता हूँ कौन सी शेप अच्छी लगती है मुझे वो फिर मैं यहाँ पर ऐड करूंगा और आ, देखते हैं अभी मैं स्क्रॉल कर रहा हूं जो शेप मुझे अच्छी लगे मैं ऐड करूंगा ओके मैं यहां पर लिखता हूँ डिजाइन में जाके मैंने सर्च करता हूँ गेमिंग लोगो गेमिंग लोगो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास शेप्स आ जाएंगी देखें ये शेप है अच्छा ये नहीं ये मुझे अच्छी नहीं लग रही ये ये मुझे नहीं अच्छी लग रही हम देखते हैं कि हमने यहाँ पर कौन सी शेप ऐड करनी है ठीक है तो वो शेप हम ऐड करेंगे फिर ये देखें ये शेप मैं इधर ऐड करूंगा ये शेप ये भी जो पीछे बैकग्राउंड है ये मुझे अच्छा लग रहा है थोड़ा अब मैं ये ऐड करने के लिए अब फ़ौरन इधर क्लिक नहीं कर रहा अगर फौरन इधर क्लिक करेंगे ना आप तो देखें मैंने फ़ौरन क्लिक किया तो ये ये तो सारी हमारी शेप चेंज हो जाएगी ठीक है अब हमने क्या करना है यहाँ पर आपके पास मोबाइल में भी एक ऑप्शन होगा ये एड पेज ऐड पेज का ऑप्शन होगा या यहाँ पर मोबाइल में इधर प्लस का ऑप्शन आ रहा होता है अब जब उस पर क्लिक करें ना तो इधर ऐड डुप्लीकेट डुप्लीकेट कर दें या एड कर दें ठीक है तो मैं यहाँ पर एड पेस्ट करता हूँ एड पेस्ट करने के बाद यहाँ पर एक जो है खाली पेज ओपन हो जाएगा अब मैं इस पिक्चर को इस खाली पेज पे पेस्ट करूंगा अब मैं इसको नीचे जो है ड्रैग करूंगा तो ताकि ये शेप मुझे चाहिए जस्ट ये देखें ये शेप चाहिए मूवेबल शेप है इसको मैं कंट्रोल सी मैंने कॉपी कर लिया और मैं अपनी पिक्चर में आके इसको पेस्ट कर दूंगा ठीक है मैं अपनी पिक्चर में आके पेस्ट करूंगा अब देखें ये लोगो तो हमारा छुप गया है ठीक है अब हमने इस शेप के साथ क्या करना है हम देखें इस शेप का आप कलर भी चेंज कर सकते हैं इस शेप का अगर अपने कलर चेंज करना है कलर इसका ब्लू है मैं चाहता हूं अपने लोगों के हिसाब से रखूं तो ठीक है सेंड टू बैक हमारे पास दो चीजें हैं सेंड बैकवर्ड एंड सेंड टू बैक मैं सेंड टू बैक पे क्लिक करूंगा देखें सेंड टू बैक पे क्लिक किया तो अल्टीमेटली ये बैक पीछे चला गया और ये जो हमारे लोगो था पिक्चर थी ये आगे आ गई अब देखिए हमने क्या करना है इसको हम साइज इसका थोड़ा सा छोटा कर देंगे ठीक है इसका साइज मैंने छोटा किया ताकि ये एडजस्ट हो जाए डंबल का साइज भी मैं छोटा करूंगा उसी हिसाब से ताकि ये प्रॉपरली एडजस्ट हो ठीक है ये देखिए मैंने डंबल को सिलेक्ट किया और इसका साइज भी मैंने थोड़ा सा छोटा किया ताकि ये प्रॉपर हमारा फिल आ जाए ठीक है और ये हमारा टेक्स्ट है अब देखिए टेक्स्ट हमें नजर नहीं आ रहा तो मैं टेक्स्ट का कलर वाइट कर दूंगा ठीक है टेक्स्ट का कलर मैं वाइट कर दूंगा या स्किन कलर का कर दूंगा ठीक है ताकि ये यह यहाँ पर वाजे नजर आए देखें स्किन कलर का टेक्स्ट कलर कर दिया और इसको मैं स्मॉल कर दूंगा <coughs> सॉरी ये देखें इसका कलर भी मैं इस तरह से ही चेंज कर दूंगा दी ठीक है और थोड़ा सा हम इसको मजीद छोटा नहीं करेंगे बस ये ठीक है इधर ठीक है ठीक है अब देखिए मैंने इसका कलर चेंज कर अब देखें अब ये कुछ ये नजर नहीं आ रहा हमें ये डंबल नहीं नजर आ रहा मैं अब क्या करूंगा ये जो ये देखें ये लोगो के अंदर ये जो लाइन है ना इस कलर के हिसाब से इसका मैं कलर कर दूंगा अब मैं इसका कलर ताकि ये वाज़े नजर आए ये देखें अब ये ये नज़र आ रहा है ठीक है और हम चाहें तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं इसका कलर अगर स्किन कलर रखें तो ये कैसा चलेगा नहीं ये नहीं ठीक लग रहा ब्लैक भी नहीं ठीक लग रहा वाइट वाइट सम हाउ अच्छा लग रहा है ठीक है ये देखें ये अच्छा लग रहा है बिल्कुल ये डिसेंट सा है मैं इसको थोड़ा सा मजीद एडजस्ट करूंगा ये देखें ये हमारा लोगो बन गया और मैं इसका सारी थोड़ा सा बस ये ओके okay है ठीक है देखें ये हमारा लोगो बन गया अब आपने फाइनली क्या करना है आप इसको थोड़ा सा कोई भी चीज इधर उधर करेंगे नहीं सारी चीजें खराब हो जाएंगी आपने क्या करना है इन सारी चीजों को सिलेक्ट कर लेना है अपने लैपटॉप पर ऐसे माउस को कर्सर को ऐसे स्क्रोल करें और ये सारी चीजें सिलेक्ट हो जाएंगी ठीक है ये सिलेक्ट हो जाएंगी और मैं थ्री डॉट्स पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ग्रुप का ऑप्शन है मैं इन सबको ग्रुप कर दूंगा ये देखें अब मैंने जब ग्रुप किया ना तो मैं किसी जगह पर इसको हाथ के ड्रैग करूंगा इसको रख के ड्रैग करूंगा तो अल्टीमेटली तो ये अल्टीमेटली ड्रैग होता जाएगा इसमें कोई चीज भी चेंज नहीं होगी मैं इसका साइज बड़ा कर देता हूँ ये देखिए मैंने इसका साइज बड़ा कर दिया और इस तरह से हमारा प्रोफेशनल लोगो प्रिपेयर हो गया मैं क्या करूंगा अब मैं इसको जो है डाउनलोड करता हूँ फिर देखते हैं कि हमारा फाइनल लोगो कैसा आता है इसकी फाइनल लुक कैसी आती है ठीक है ये देखिए मैं इसको अब डाउनलोड कर रहा हूँ शेयर पे मैं क्लिक करता हूँ और डाउनलोड और फर्स्ट पेज मैं फर्स्ट पेज डाउनलोड करूंगा जस्ट आप फर्स्ट पेज डाउनलोड करें क्योंकि सेकेंड और थर्ड पेज पे आपने वो दूसरी चीजें आपने डाली हुई थी अच्छा अब यहाँ पर दो ऑप्शन है एक पी ए जी एक जेपी जी है ठीक है मैं फिलहाल PNG में इसको कर रहा हूँ डाउनलोड फिर हम देखते हैं कि किस तरह से ये हमारा लोगो हमारे पास शो होगा ये देखें ये हमारे PNG डाउनलोड हो गई फाइल और आ, हमारे पास ये पिक्चर ओपन हो रही है मैं दिखाता हूँ ये देखें जी ये हमारे पास पिक्चर ओपन हो चुकी है ये हमने अपना लोगो डिज़ाइन जो किया था अभी ये हमारा वो लोग है जो हमने अभी डिज़ाइन किया है ठीक है दैट्स वेरी वेरी नाइस और आ, आप देखेंगे किस तरह से हमने खुद कोई भी हमने इसका टेम्पलेट यूज नहीं किया बना बनाया हमने खुद इसको डिजाइन किया ठीक है इस तरह से आप अल्टीमेटली अपने लोगो बना सकते हैं अब मैं चले दूसरा लोगो बनाता हूँ कोई कॉफी कंपनी है वो आपको कहती है कि जी हमारा लोगो बना के दें बिल्कुल सिंपल है अब मैं दूसरा इसका पेज ओपन कर लेता हूँ ठीक है सिमिलर मैं इसको डिलीट करता हूँ अब यहाँ पर मैं कॉफी का लोगो बनाने लगा हूँ मैं क्या करूंगा एलिमेंट्स में जाऊंगा एलिमेंट्स पर जाकर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ कॉफ़ी कॉफी कप ठीक है कॉफी कप मैं सर्च करता हूँ ठीक है ज़ाहिर सी बात है कॉफी की शॉप है आजकल सर्दियां हैं वैसे भी और कॉफी uh, इंजॉय करें आप सब भी सीआर पे मैं क्लिक करता हूँ देखें हमारे पास कौन कौन से ग्राफिक्स ओपन होते हैं अच्छा आप यहाँ पर बहुत सारे डिजाइन आ जाते हैं अगर आप कप ऑफ कॉफी सेलेक्ट करेंगे तो कॉफी का कप यहाँ पर आ जाएगा सामने कॉफी बीन्स या कॉफी मग ठीक है कॉफी बीन कॉफी आइकन कॉफी बीन्स को देखते हैं कॉफी बीन्स किस तरह से आते हैं और आ... हाँ यहाँ पर बहुत सारा मतलब आ, अच्छे अच्छे आइडियाज़ अच्छे अच्छे कन्सेप्ट अपना आप यूं भी कर सकते हैं गूगल से सर्च करके और गूगल से सर्च करने के बाद वहां पर आप आइडियाज़ ले सकते हैं लेकिन आप किसी का लोगो ये बात जहन में रखिएगा आप किसी दूसरे सोसाइटी का किसी दूसरे ब्रांड का किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का लोगो चुरा नहीं सकते आप उनके कन्सेप्ट भी नहीं चुरा सकते अल्टीमेटली आ, क्योंकि अगर आप किसी सोसाइटी का लोगो चुराते हैं तो अल्टीमेटली आपको वो आपके ऊपर केस भी कर सकते हैं ठीक है इसलिए मैं कहता हूं कि आपने अपने हिसाब से लोगो डिजाइन करना है ठीक है कॉफी बींस नहीं अच्छे लग रहे आ, हम बैग जाते हैं ऑल पे मैं क्लिक करता हूं और कॉफी कप कॉफी कप देखते हैं हमने कॉफी कप ही डिजाइन करना है ठीक है ताकि दूसरे अच्छा लोगो एक आइडेंटिटी होती है कि लोगो देखने के बाद पता चलता है कि आप Uh, किस हवाले से ये किस ये किस चीज़ की शॉप है या ये क्या चीज़ है इंडस्ट्री अगर देखें एक मैं सिंपल कॉन्सेप्ट आपको देता हूँ अगर कोई इंडस्ट्री है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर uh, कोई मशीनरी बनी हुई होगी इस तरह से सारी चीजें होंगी कोई जिम है तो वहाँ पर डंबल वगैरह होंगे जिम के इंस्ट्रूमेंट्स होंगे कोई शॉप है खाने फास्ट फूड की शॉप है तो फास्ट फूड वहाँ पर बने हुए होंगे ठीक है आप यहाँ पर देखते हैं देखें कितने हमारे पास हैं आप वो चूज कीजिएगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो देखें ये फ्री है ये फ्री है अच्छा मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ ये देखें ये हमारे पास आ गया ये भी वैसे बहुत अच्छा लग रहा है और देखते हैं मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ चले मैं इसका साइज छोटा करके ना इसको साइड पे रखता हूँ ताकि इसको भी हम देख लेंगे मज़ीद इसको भी हम देख लेंगे कि कौन सा अच्छा लगता है अच्छा एक और मैं आपको मजे की बात बताऊँ बताऊँ या नहीं रहने दूँ बता दूँ चले ठीक है मैं अभी बता देता हूँ अच्छा आपने ये फॉर एग्जाम्पल ये मग ये कप सेलेक्ट किया है अब ये कप सेक्ट करने के बाद यहाँ पर जब आप देखेंगे ना एलिमेंट्स में यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एक आपको मैजिक रिकमेंडेशन देगा ठीक है ये मैजिक रिकमेंडेशन आपको देगा आपने मैजिक रिकमेंडेशन सी ऑल पे क्लिक करना है ठीक है मैजिक रिकमेंडेशन में इससे भी ज्यादा अच्छी अच्छी मैजिक होती है मतलब आप कह सकते हैं कि इससे भी अच्छे अच्छे आइडियाज होते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें कोई आइडिया पसंद आता है या नहीं आता तो इसको देखें जरा ये भी अच्छा लग रहा है ठीक लग रहा है हमें और नेक्स्ट हम देखते हैं अच्छा देखें इसकी भी मैजिक रिकमेंडेशन आ गई नहीं भाई अभी साइड पे रहो तुम तो हम कोई दूसरी मैजिक देखते हैं कोई हमें पसंद आए तो लेकिन ये हमें नहीं अच्छे लग रहे तो हम क्या करेंगे ये देखें ये कप है इसको मैं जरा सेलेक्ट करूँ लेकिन ये है कि ये इमेज एडिट नहीं होगी हाँ बल्कि होगी रुकें इसको एडिट करके देखते हैं इसको मैं एडिट करता हूँ इसका कर... अच्छा कॉफ़ी का हमेशा कलर आपको पता है ब्राउन होता है तो इसको इसलिए आप इसको ब्राउन कलर दें और आ, फिर ये है हमारे पास ये नेक्स्ट में आ, इसका धुआं निकल रहा है जो इसको हम ब्लैक कर देते हैं ब्लैक धुआं निकल रहा है या थोड़ा सा इस तरह से कर देते हैं ठीक है नहीं ये मुझे थोड़ा नहीं अच्छा लग रहा हाँ ये अच्छा है ठीक है आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसको भी मैं एक साइड पे रखता हूँ तुम तो बेटा साइड पे हो जाओ आप इधर आ जाओ शाबाश और ये भी अच्छा लग रहा है जो मैंने अभी सिलेक्ट किया है ये देखें मैं इसको करता हूँ इसका कलर मैं ब्राउन कर देता हूँ क्योंकि कॉफी का कलर ब्राउन होता है इसको मैं साइड पे रखता हूँ और इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि तो आपको अच्छे से नजर आ जाए ठीक है अच्छा अब यहाँ पर सिंपल मैंने कॉफी सिलेक्ट कर लिया अब मैं चाहता हूँ ये सिंपल सिंपल खाली सा कप लग रहा है इसके इर्द गिर्द भी कुछ कोई डिजाइन बनाऊ तो मैं डिजाइन में जाऊंगा डिजाइन में जाने के बाद मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ ठीक है शेप्स में सिलेक्ट करता हूँ डिजाइन में जाके शेप्स में सेलेक्ट करता हूँ देखते हैं अब कौन सी शेप हमारे पास सामने आती है और कौन सी शेप इसके हिसाब से चीज़? ये देखें ये ये फर्स्ट शेप इसके हिसाब से अच्छी है ये ये जो शेप है अब मैं क्या अब मैंने क्या क्या कहा था आपको क्या करना है आपने नया पेज सेलेक्ट करके ये देखें मैं ये पेज पहले से नया सेलेक्टेड था मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ ठीक है आपने उसी पेज के ऊपर इसको सेलेक्ट नहीं कर लेना न्यू पेज ओपन करके इसको सेलेक्ट करना है ये सारी चीजें मैं नीचे ले आऊंगा ये ये शेप मुझे चाहिए थी मैं जस्ट ये शेप ले लेता हूँ कंट्रोल सी किया मैंने कॉपी करके उस शेप को इधर पेस्ट कर दिया ठीक है ये शेप अभी वाइट कलर की है ये देखें आप कहेंगे ये शेप तो गुम हो गई है ये वाइट कलर की शेप है इसका कलर मैं ब्राउन करता हूँ देखें यह ब्राउन आपको अब शो हुई है ठीक है अब मैंने क्या किया इस शेप को मैं जो है थोड़ा सा मजीद बड़ा करता हूं ये देखें ये इसके अंदर फिट आ चुकी है ये शेप ठीक है अब ये कदरे बेहतर लग रहा है ठीक है आ, ओके अब मैं क्या करूं अब हमने टेक्स्ट लिखना है ठीक है टेक्स्ट में आते हैं ऐड अ हैडिंग हेडिंग में हम लिखते हैं कैफे कॉफी बार ठीक है इस सारे को मैं सिलेक्ट करता हूँ मैंने अब इसका एक तो साइज रिड्यूस करना है साइज रिड्यूस करके दूसरा मैंने क्या करना है इसका मैंने फोन स्टाइल भी चेंज करना है ठीक है अब फोन स्टाइल में देखते हैं कि फोन स्टाइल मैं इसका रखता हूँ अप्रेला ठीक है अप्रेला फोन स्टाइल में रखता हूँ तो देखें किस तरह से मतलब इतना अच्छा फोन स्टाइल बन गया हमारे पास और मैं क्या करता हूँ अच्छा इस अब ये ब्लैक ब्लैक अच्छा तो नहीं लग रहा मुझे इसको मैं सेंटर में ले आता हूँ ताकि ये सेंटर में आ जाए ये देखें इसको मैं सेंटर में ले आता हूँ ये बिल्कुल अब सेंट्रलाइज हो चुका है अब मैं चाहता हूँ कि हमारा ये जो टेक्स्ट है इसके साथ रिजेंबल करे मैं इसको यूं करता हूँ सिर्फ कॉफी कैफे को सिलेक्ट करके इसको मैंने ब्राउन कलर दे दिया ठीक है और बार को मैंने सेलेक्ट करके इसको भी ब्राउन कलर दे दिया ठीक है <clears throat> और इसको मैंने ब्लैक रहने दिया कॉफ़ी को ठीक है अब मैं इसको थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर देता हूँ ताकि ये एग्जैक्ट लगे ये देखें अब मैंने इसको सेंट्रलाइज कर दिया और देखें ये हमारा दूसरा लोगो तैयार हो गया ठीक है आप चाहें तो आप ये इधर ले आ सकते हैं ये कप इसके सामने ये लख, लिख सकते हैं अच्छा इसका दूसरा भी एक तरीका है आपने अच्छा फिर क्या करना है इन सारों को सिलेक्ट करके आपने ग्रुप कर देना है ठीक है अच्छा एक और तरीका ये है आप टेक्स्ट लिखने का आप क्या कर सकते हैं इसको साइट पे करके आप टेक्स्ट को इधर भी लिख सकते हैं ठीक ठीक है है कैफे कैफे कॉफी कॉफी बार बार इस तरह से करके आप इसको साइट पे भी लिख सकते हैं अच्छा दो चीजें अच्छा यहाँ पर एक बात याद रखिएगा आपके पास एक लोगो होता है और साथ में उसका स्लोगन होता है स्लोगन बेसिकली क्या चीज होती है जैसे न्यूट्रीमेंशन um, का लोगो है न्यूट्रीमेंशन और उसका स्लोगन क्या है आपने नीचे देखा होगा इट्स नॉट अबाउट आइडियाज इट्स टाइम टू टेक स्टेप ठीक है अब यहाँ पर स्लोगन क्या होना चाहिए वट एवर आपको कंपनी लोगो का नेम भी प्रोवाइड करती है स्लोगन भी प्रोवाइड करती है अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्लोगन लिखता हूं कॉफी इज कॉफी इज लव क्योंकि ये मेरा लव है कॉफी इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिया और अब मैं इस सारे को सिलेक्ट करके इसका कलर में चेंज करता हूँ देखें कौन सा कलर हमें सूट करता है इधर ये कलर भी ठीक लग रहा है वैसे ठीक है कॉफी इज लव लग... अच्छा फिर क्या करना है ये जो हमेशा स्लोगन होता है ना ये लोगों के साथ उसका साइज छोटा होना चाहिए स्लोगन का लोगो से ठीक है अब ये देखें मैंने इसका साइज छोटा किया अब ये ठीक लग रहा है ठीक है अब हम क्या कर सकते हैं इसका कलर आपकी मर्जी है कलर कम्बिनेशन इसको जो भी सिलेक्ट करें मैं इसको ब्लैक अगर करूं तो ये कैसा लगेगा ब्लैक नहीं ठीक लग रहा तो कोई भी आप कलर दे सकते हैं मैं इसको ब्राउन ही रहने देता हूं ठीक है इस सारे को भी मैंने ब्राउन कर दिया ठीक है आप इस तरह से भी कर सकते हैं आप आपकी मर्जी है आपने जिस तरह से अपना डिजाइन क्रिएट करना है अब मैं क्या करूंगा इस सारे को मैं सिलेक्ट कर लूंगा ठीक है इस सारे को मैंने सेलेक्ट किया और मैं इनको ग्रुप कर दूंगा ताकि अगर मैं किसी एक चीज को चेंज करता हूँ ये ये एक ग्रुप बन चुका है ठीक है मैं इसको ये देखें ये हमारा लोगो बन चुका है लोगो हमेशा स्मॉल साइज देखें इधर मैं पेस्ट करता हूँ फिर नीचे मैं कोई भी पोस्ट अपनी बनाऊ ऊपर हमारा कॉफी का लोगो आ जाएगा कैफे कॉफी बार ठीक है और साथ में कोई भी चीज मैं लिखना चाहूँ वो लिख सकता हूं ऊपर हमने जैसे जिम का लोगो बनाया अगर मैंने कोई भी पोस्ट डिजाइन करनी है ठीक है मैं क्या करूंगा जी हमारा जहर सी बात है लोगो है और इस लोगो को हम साइट पे पेस्ट करेंगे पोस्ट के और अल्टीमेटली नीचे हम लिखना शुरू कर देंगे आप देखें कितना ये प्यारा लग रहा है साइड पर हमारा लोगो पेस्टिड है और इधर हम कोई भी पोस्ट अपनी लिखना शुरू कर दें कुछ भी हम लिखना शुरू कर दें वट एवर वी वांट जिस हवाले से हम पोस्ट बना बना रहे हैं हर पोस्ट के ऊपर ये लोगो लग जाएगा और देखें इस तरह से आप प्रोफेशनली किसी भी फूड का अच्छा देखें डाइटिशियन है आप ठीक है एलिमेंट्स में जाए ठीक है और यहाँ पर आप डाइटिशियन के हवाले से सिलेक्ट करें डाइट डाइट प्लान ठीक है डाइट प्लान लिखें या स्टेथोस्कोप लिखें तो यहां पर बड़े अच्छे आइडियाज आते हैं मैं लिखता हूं स्टेथोस्कोप आ, यहां पर मैं सर्च करता हूँ स्टेथोस्कोप क्योंकि स्टेथोस्कोप डाइटिशियन ठीक है आप अपने हिसाब से कोई भी जो भी सेलेक्ट करना चाहें सी ऑल पे मैं क्लिक करता हूँ सी ऑल पे क्लिक करने के बाद हमेशा आप ग्राफिक्स को ही चूज़ करिएगा ठीक है जब ग्राफिक्स को चूज़ करते हैं तो अच्छे अच्छे आइडियाज़ आपके पास आते हैं ठीक है अब मैंने यहाँ पर ग्राफिक्स को चूज़ किया नहीं यहाँ पर अच्छे अच्छे नहीं आ रहे हमारे पास ये कार्टून आ रहे हैं तो अब मैं क्या करूँगा हाँ ये एक है अच्छा ठीक है और नहीं ये सारे पेड हैं मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ डाइट प्लान ठीक है यहां पर मैंने डाइट प्लान का हवाले से सर्च किया और मैं सी ऑल पे क्लिक करता हूँ देखते हैं यहाँ पर ये क्या हमें गुल खिलाता है और नहीं ये नहीं ठीक ये नहीं ठीक ये जस्ट मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ ठीक है आप किसी भी हवाले से कहीं से भी आइडिया ले सकते हैं और हेल्दी फूड हेल्दी डाइट हेल्दी ईटिंग हेल्दी लाइफ पे मैं जरा क्लिक करता हूँ हेल्दी लाइफ ये देखें अच्छा जी यहाँ पर इतने सारे आइडियाज़ उसने हमें दे दिए और आ, हम देखते हैं अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हमने कौन सा आइकन सेलेक्ट करना है कौन सा लोगो हमने अपने फूड के हवाले से बनाना है ठीक है या वाट मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेलनेस वेलनेस ठीक है वेलनेस में यहाँ पर सर्च करता हूँ अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन से हमारे पास ग्राफिक्स आते हैं आप किसी भी हिसाब से जो है अपने ग्राफिक्स चूज करके जाहिर सी बात है आप यहाँ पर यह भी नहीं है कि आप कोई भी चीज़ वर्ड लिखें और हलवा आपके सामने हाजिर हो जाए ऐसा नहीं होता आपने क्या करना है आप, आपको भी थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है ठीक है स्ट्रगल करके आप अच्छे से अच्छे आइडियाज जो भी आपके हों तो उसको सिलेक्ट करके अल्टीमेटली आप अपने लोग को डिजाइन कर सकते हैं ठीक है ये देखिए मैंने ये सिलेक्ट किया यहाँ पर ये सिलेक्ट करने के बाद मैजिक में देखते हैं मैजिक में क्या आता है ठीक है इसका एक ही कलर है अच्छा मैजिक में ये आ आ है जनाब गुड हेल्थ एंड वेल बींग अच्छा नहीं आप साइड पे रहो <laughs> यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें कौन सा लोगो चाहिए अच्छा ये जो सारी चीजें ना ये सस्टेनेबल गोल्स हैं ये ना उठा के लगा लीजिएगा सस्टेनेबल गोल्स हैं उसके एस जिसे हम बोलते हैं ठीक है आप यहाँ पर मैं इसका कलर चेंज करूं तो आ, ब्लू कलर रखता हूँ या ऑरेंज कलर में रखता हूं ठीक है और मैं यहाँ पर लिखता हूं ये आपका स्लोगन है और मैं यहाँ पर अपना टेक्स्ट रिटर्न करता हूँ टेक्स्ट राइट करता हूँ डाइटिशियन मोहम्मद या नहीं बल्कि यहाँ पर तो मैंने लो, लिखना है हमजा न्यूट्री केयर हमजा न्यूट्री केयर मैंने लिख दिया और इसको साइज इंक्रीज किया मैंने हमजा न्यूट्री केयर बिल्कुल इसको मैंने सेंट्रलाइज किया ठीक है मैं चाहता हूं कि इसका इसका कलर इसके हिसाब से आए मैं क्या करूंगा इसका कलर भी मैं ऑरेंज कर दूंगा ठीक है बाकी जो हमजा न्यूट्री है इसको मैं चाहता हूं कि मैं ब्लू कर दूं ठीक है इसको मैंने ब्लू कर दिया अच्छा ये कलर कम्बिनेशन भी इसके साथ अच्छा लग रहा है और हाँ बस यही ठीक है और मेरा स्लोगन क्या है मेरा स्लोगन ये है गुड फूड ये हमारा है ना हमजा न्यूट्री केयर आप इंस्टाग्राम पे भी सर्च करेंगे आपको आ जाएगा मेरे क्लिनिक का नाम है ठीक है गुड फूड मेरा उसका स्लोगन ये है गुड फूड गुड मूड ठीक है गुड मूड मैं इसका साइज छोटा कर देता हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया स्लोगन का साइज हमेशा छोटा होता है और ये देखें ये कलर कम्बिनेशन भी अच्छा लग रहा है ब्लैक के साथ लेकिन मैं फिर भी इसका कलर चेंज करके देखता हूँ कि अगर कोई और कलर ऑरेंज कलर ही मैं इसके साथ रखू तो कैसे लगेगा ये देखें ये कलर कम्बिनेशन भी अच्छा लग रहा है ठीक है अब आपकी बल्कि मैं अगर इसको रेड कर दूं तो क्योंकि रेड रेड भी देखते हैं कि कैसा लगेगा नहीं हाँ ये भी ठीक है वो भी ठीक था लेकिन ये ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है ठीक है इस तरह से मैं इन सब को सिलेक्ट करता हूँ इन तीनों को सिलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ इसको ग्रुप कर दूं ताकि ये कोई इधर उधर हिले ना ठीक है ये देखें ये हमारा लोगो बन गया और देखें आप पोस्ट के शुरू में आप लगा दें ये हमजा न्यूट्री केयर ठीक है आप अपना लोगो लगाएं और यहाँ पर आप जी फॉर एग्जांपल आप लेटर हेड बना रहे हैं अपने क्लिनिक का ठीक है आप लेटर हेड पता है क्या होता है लेटर हेड वो होता है कि जहां पर आपने डाइट प्लान लिख के देना होता है यहाँ पर लिखते हैं डाइटिशियन मोहम्मद हमजा इसको मैं इसका साइज छोटा कर देता हूँ ठीक है और डाइटिशियन मोहम्मद हमजा फिर नीचे मैं लिखता हूँ कंसल्टेंट डाइटिशन। ठीक है अब मैंने लिख दिया मैं इसको इसका कलर भी चेंज कर दूंगा इसका कलर मैं ऑरेंज कर देता हूँ ठीक है और इसको मैं ये देखें इस तरह से हमारा देखें कितना प्यारा आपका लेटर हेड बन जाएगा एलिमेंट्स में जाता हूं अब यहां पर मैं लेटर हेड नहीं बना रहा लेटर हेड बनाने के लिए हमें और चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं लेटर हेड आपका इधर नहीं बनता ये आपके ये जो मैं आपको यहां पर शो कर रहा हूं कैनवा पर लेटर हेड नहीं बनता लेटर हेड अगर आप चाहते हैं कि आपको लेटर हेड बनाना भी सिखाया जाए तो वो भी मैं सिखा दूंगा आपको आप मुझे ग्रुप में बताइएगा या कमेंट में लिख दीजिए अगर आप चाहते हैं ना कि आपको लेटर हेड बनाना भी सिखाया जाए तो कमेंट में मुझे बताइएगा मैं आपको सिखाऊंगा कि वो कैसे बनाते हैं ठीक है और ये हो गया जनाब हमारा लेटर हेड के लिए ये देखिये मैंने जस्ट इधर आपको एक एग्जाम्पल दिया है ठीक है मैंने इधर एग्जाम्पल दिया है कि आपने किस तरह से अपना लेटर हेड और आपका लोगो किस तरह से देखें, देखें कितना प्यारा लोगो लग रहा है <coughs> है ना प्रोफेशनल और नीचे से आप यहाँ पर लिखते हैं डाइट हिस्ट्री क्लाइंट क्ला, का वेट हाइट एज बीएमआई वगैरह और यहाँ पर आपने आर एक्स लिख के डायग्नोसिस करके और अल्टीमेटली नीचे से अपना डाइट प्लान मैंशन कराऊ तब सुबह को ये खाएं ब्रेकफास्ट ये फलाना रमकाना ठीक है तो फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है और उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा ये लेक्चर और बहुत कुछ लर्न किया होगा आपने आज की आपकी असाइनमेंट ये है आपने अपना अपना लोगो डिजाइन करना है अपना लोगो डिजाइन करने के साथ अच्छा किसी का लोगो चुराना नहीं है कोई नेट पर लोगो देख के चुराना नहीं है अपना खुद से नेम डिसाइड करें वट एवर कुछ भी डिसाइड करें क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलना है हाँ आप किसी का नेम जो है स्टील करते हैं किसी का नेम चोरी करते हैं चुराते हैं तो अल्टीमेटली अगर उनको पता चल गया तो आपके ऊपर केस भी हो सकता है ठीक है ये ख्याल रखिएगा लोगो एक हर किसी की आइडेंटिटी होती है तो यूनिक आइडेंटिटी अपनी खुद बनाए और अब ये इमेचोरिटी छोड़ें, दूसरी दूसरों के काम को चुराना बंद करें और अपना अपना जो है लोगो डिजाइन करें और अपना जो है ग्रुप में सेंड कीजिएगा शाम को ठीक है टिल देन अल्लाह हाफिज